नया हुक्मनामा, द न्यू ऑर्डिनेंस। किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है, किधर जा रही हैं। किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत करना इनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी, इनकी दुश्मन ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा आप चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते, कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं, तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती हैं। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून, बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। Thank you.